हाय एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इशू रिपीट इटसेल्फ पार्ट एट, बहुत इंटरेस्टिंग है आज का पार्ट। अपर सर्किट, लोअर सर्किट, तो पहले बोलना चाहूँगा लोअर सर्किट, क्योंकि अभी तो वही हिट हो रही है, राइट। तो लोअर सर्किट अपर सर्किट मार्केट में लगना, ये बार बार नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जब भी होता है तो बहुत अच्छा सबक देखे जाती है, जो मुझे शायद 2003-04 में उतना याद नहीं है दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, राइट। तो उस टाइम पे मुझे तो बहुत अच्छा लेसन मिल चुका था, ओके। और ऐसा लेसन मिला था कि 6-7 दिन तक मार्केट भी नहीं देखा था, राइट। जो सच है वही बताऊंगा, राइट। तो उसमें ऐसा लगा था कि बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है या क्विट करने की ज़रूरत है, तो मैंने ऑप्शन पहला वाला चूज़ किया कि नहीं, सीखने की ज़रूरत है, राइट। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मार्केट में कोई नहीं कमा सकता है, चलो छोड़ दो, राइट, कोई सीख नहीं सकता, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, राइट। तो दोस्तों इसमें एक चीज़, जो सर्किट लगते हैं ना, तो आदमी को डिप्रेशन में भी ले जाती है, डिप्रेशन में तो ले ही जाती है, अटैक, सुसाइड, मर्डर, किडनैपिंग, वो सब तो पार्ट ऑफ द गेम है, ओके। सो ये तो बहुत डर्टी गेम है, वैसे तो दिखने जाए तो कुछ भी होता है, ओके। बट एक चीज़ दोस्तों, सर्किट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रिडिक्ट करना है, लेकिन ऐसा जब हिस्ट्री में, पास्ट में भी यही चीज़ हुआ था, जब पोजीशन ये थी तो सेलर सर्किट लगी थी, इवन एक बायर सर्किट भी लगी थी, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि तब भी पोजीशन क्या थी, राइट। एग्जैक्टली डेटा डेट याद नहीं है दोस्तों, तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन उस टाइम पर ऐसा ही था, राइट। डेट इधर उधर हो सकते, क्योंकि वो सर्किट ओपन हो जाती है तो वो डेट याद नहीं रहती। जैसे कि देखिए दोस्तों, कल सेलर लगी थी और ओपन हो गई थी, वो पर्टिकुलर डेट याद नहीं। मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि कौन कौन सी डेट को सेलर सर्किट लगी थी, लेकिन डेटा अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है मुझे, राइट। तो वरना मैं पर्टिकुलर वो कैंडल दिखा था, लेकिन अभी देखो, अभी कल भी सेलर सर्किट हिट हुई थी और ऊपर चली गई, तो थोड़े सालों तक तो याद रहेगा ही, राइट। लेकिन फिर मुश्किल हो जाता है 15-10 साल बाद, राइट दोस्तों, क्योंकि अभी तो एज भी मेरी बढ़ रही है, तो मैं भूल भी जाऊंगा, राइट। तो मैं ये चीज़ हमने आपको दिखाई थी, हाउ टू डिफाइन द ट्रेंड, एक सीरीज बनाई है, राइट। वो वीडियो मैं लास्ट में एंड डाल देता हूँ, वो ज़रूर देखेगा फ्रेंड्स। उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि ये MACD है दोस्तों, उसकी सिग्नल लाइन है, राइट। तो वो जब भी ये पोजीशन में होती है तो अब तक तो लगी है, यानी हिस्ट्री में ये हुआ है, तो डेफिनेटली हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो वापस यही होने वाला, और यही हुआ। ये वीडियो तो हमने बहुत महीनों पहले बनाया था फ्रेंड्स, राइट। वो मैं एंड स्क्रीन में डाल देता हूँ, तो जरूर देखिएगा, इवन आई बटन पे भी डाल दूंगा मैं, ओके। तो आई बटन पे वो वीडियो जरूर देखिएगा, हाउ टू डिफाइन द ट्रेंड, ओके। तो कितने दिनों पहले, कितने मंथ पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी, राइट। तो फ्रेंड्स दोस्तों मैं बता देता हूँ, कई बार ऑब्वियसली देखो, जब भी ये सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे हो, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो 2008 में जब ये क्रैश आया था फ्रेंड्स, ये वाला, राइट, तब हमने क्लियर कट बोला था, यहाँ पे बीच में 2-3 कैंडल अच्छी बनती थी तो लोग कहते थे कि अभी मार्केट ने बॉटम बना लिए, ओके। यहाँ पे भी मार्केट ने बॉटम बना लिए, राइट फ्रेंड। बट ये सिग्नल लाइन जीरो के नीचे हो तो दिस इज कॉल्ड लक्ष्मण रेखा, राइट, उससे आपको दूर रहना है, राइट। यहाँ कहीं पे सेलर सर्किट हिट होके फिर रिकवर हो गया था, हर बार हम एक ही हिस्ट्री रिपीटेड सेट में, यही पार्ट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, LIC आ जाती है दोस्तों, LIC आती है, बट ठीक है, कब आती है, राइट। तो ये सब चीजें अलग बात है, ओके। तो वो सब न्यूज से दूर रहिए, ओके। तो ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स, तो इस टाइम पे देखो, MACD सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे थी, ये वाली लाइन, ये रेड लाइन इसके नीचे थी, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ओके, फड़ खत्म, सब काम तमाम हो गया, और सेलर सर्किट के ज्यादा तो उससे अगले दिन गिरा था, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी सेलर सर्किट लगी थी, हर बार ये MACD सिग्नल लाइन ने सपोर्ट की थी, राइट। हम ऐसे ही सीखते हैं दोस्तों, पास से ही, राइट। फिर देखो, ये एक सीन था जहाँ पे ये वाला सीन था, ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो दिन था फ्रेंड, ये बायर सर्किट लगी थी और इसका अगला दिन था, जब लोग कहते थे कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा, राइट। बट मैं एक चीज़ पे फॉर्म था, क्योंकि मैंने पास में देख लिया था, ओके। और एक बंदे ने, उसका नाम तो अभी भी याद भी नहीं है, बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो पर्सनल, लेकिन मैं उनको डाउन करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ देखो, कोई भी चीज़ डिबेट करते हो तो वो डिबेट का कोई वो होना चाहिए, राइट, उसका कोई सॉलिड वो होना चाहिए, यूँ ही नहीं करनी चाहिए। इन द सेमिनार उसने चैलेंज दे दिया कि मार्केट सेलर सर्किट हिट होगा, ये 18 मई है, और उससे पहले उसने यहाँ कहीं पे, मुझे याद है अप्रैल के फर्स्ट यहाँ कहीं पे, जब ये कंसोलिडेट हो रहा था, ये देखो 4th या 5th अप्रैल को उसने बोला था कि मार्केट में सेलर लगेगी। अभी दोस्तों जी, हो सकता है लग सकती थी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, राइट। बट ये जीरो लाइन के ऊपर है सिग्नल लाइन, राइट फ्रेंड्स। तो कहाँ से आप कह सकते हो
मैंने कहा था देखो सैलर की बात तो ठीक है, मैं बाहर लगेगी ऐसा मैंने नहीं बोला था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सैलर का अभी कोई चांसेस नहीं है, अगर लगेगा तो मैं फोन कर दूंगा राइट। बट देखो तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, देखो कभी भी नॉलेज पे घमंड भी नहीं करना है फ्रेंड, लेकिन शांति से कूल होकर मैंने बोला सॉरी फ्रेंड्स लग नहीं रहा है राइट, मुझे नहीं लग रहा है। बोला मेरे पास न्यूज आ चुके हैं राइट। अभी क्या न्यूज आया दोस्तों, यहाँ पे करियर खत्म राइट। तो कभी भी जिद्दी नहीं बनना है फ्रेंड्स ओके। इसको बस मेरे पास तो यही था, मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ ओके, और ये मुझे रिस्पेक्ट दिलाता है राइट। तो यही चीज देखो, ये हो गया सेलर तो तब ये पोजीशन थी बायर, तो ये पोजीशन थी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो के ऊपर होगा तो बायर ही लगेगी, कभी उसके बावजूद भी सेलर लग सकती है, लेकिन इतना भी नॉलेज हो तो आप सेफ तो हो जाओगे फ्रेंड्स राइट। फिर अभी क्या क्या सीन था तो देखिए, सेम हिस्ट्री रिपीटेड सर ओके। क्या हुआ दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं कितने दिनों से आपको फ्रेंड बोल रहा हूँ, हर वीडियो में एक ही चीज निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि ये जीरो लाइन के नीचे है ओके। इवन यहाँ पे थोड़ा टर्न लिया तो लोग कहते हैं, अभी ये दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों सीखने के बाद का प्रॉब्लम कि ये तो टर्न ले रहा है तो ये क्रॉस कर ही देगा, तो कहाँ से अभी क्या दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है कि वो क्रॉस नहीं कर रहा है तो कहाँ से कर देगा क्या, अभी आपको क्या दिख रहा है वो देखना है फ्रेंड्स ओके। तो देखिए ये क्लियर कट, यहाँ मैं तो मना ही कर रहा था कि नहीं भाई नीचे है, कई वीडियो में मैंने बोला भी है कि निफ्टी तो क्लियर कट इसके नीचे ही राइट। अभी कल इतनी रिकवरी आई राइट, भले ही निफ्टी 12,000 हो जाए ना, लेकिन ये जब तक नीचे है मैं अपनी जो थियरी है ठीक है, बीच में कहीं से मैं बाई निकलेगा भी, अगर निकलेगा तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये एक सिंपल मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, एक लक्ष्मण रेखा बता रहा हूँ कि ठीक है बीच में थोड़े दिन के लिए या थोड़ा छोटा मोटा स्विंग के लिए ट्रेड किया राइट, वो अलग बात है राइट। बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कॉमन चीज थी, सिर्फ मेरा कहने का फर्ज यही है कि ये कॉमन चीज थी हर सेलर और बायर सर्किट में राइट। तो इसको बस सिर्फ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और इसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी हम कई बार देखते हैं दोस्तों, सपोर्ट लेगा वो भी देखते हैं राइट। तो ऐसा कुछ ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या दोस्तों, ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखो दोस्तों, अभी मैं रिलायंस आपको, अभी कोई सोचेगा कि निफ्टी यहाँ पे MACD का बॉटम है तो यहाँ से घूम जाएगा, अरे फ्रेंड्स वो भी तोड़ सकता है देख लो रिलायंस में। अगर वो सब थियरी आप यूज कर रहे हो तो मत कीजिएगा, करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैंने भी किया है तो आप, मैं चाहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से सीखोगे तो इट विल बी चीफर फॉर यू। ये देखो ये रिलायंस का तोड़ डाला सब खत्म, व्हाट इज ओवर बॉट ओवर सोल्ड, एक बार यहाँ से टॉप बना के गिरा तो ऐसा लगता क्या इट वर्क्स है, बट ये देखो दोस्तों ओके कितना पुराना बॉटम था इसका, लोवेस्ट बॉटम थे अभी शायद रिलायंस की MACD बट। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री रिपीटेड सेल में ये पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि सेलर सर्किट बायर सर्किट जब भी हिट हुई तो सिग्नल लाइन ने ये आपको ऑलवेज बता दिया था कि स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट राइट। अब ये तो डेली पे है, वीकली में भी यही सीन होगा, वीकली में देख लेते हैं निफ्टी में दोस्तों, अभी मैं निफ्टी को ही सेंटर में रख रहा हूँ ओके दोस्तों, निफ्टी में वीकली में डेटा शायद 2 मिनट फ्रेंड मैं चेक कर लेता हूँ, चलो छोड़िए दोस्तों सॉरी, डेली ही तो डेली पे हमने क्या देखा फ्रेंड्स ओके। तो सिग्नल लाइन इसके नीचे है तो लग सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं है राइट। कल भी सेलर लगी तो कुछ अच्छा, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि पहली बार हुआ, क्योंकि अभी तो आदत हो गई, आपको भी आदत हो जाएगी कि इसके नीचे है तो लगना वो है वाजिब है राइट, रिजनेबल है ओके फ्रेंड्स। तो ये लक्ष्मण रेखा आप ऑलवेज आपके साथ रखिएगा, MACD में 12:26 में 12:26 की जो लाइन है उसको मैंने कर दिया है बैक, और जो 9 जो लाइन है राइट उसको मैंने रखा है देखिए दोस्तों ओके। तो सेम थिंग यू कैन डू, कोई भी डाउट हो कोई भी मन में सवाल आता है तो कमेंट में डालिए, मैं तुरंत आपको मोबाइल में मैंने यूट्यूब स्टूडियो डाल दिया दोस्तों, तो मैं कहीं से भी रिप्लाई कर सकूँ ऐसा मैंने ट्राई कर रहा हूँ हम लोग राइट। और थोड़ा रिजनेबल कमेंट कीजिएगा राइट कि जिसका आंसर हमारे पास हो ओके फ्रेंड्स। तो वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ स्प्रेड कीजिए राइट, कोरोना वायरस से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए राइट, तो लोग बच जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस से जितने लोग नहीं मरे हैं राइट, अभी तो शायद इंडिया में बहुत दुखी बात है, अच्छा नहीं लगा, पेन बहुत हुआ कि 2 लोगों की अभी डेथ हो चुकी है राइट। बट स्टॉक मार्केट में तो शायद हो सकता है कितने लाखों लोग मर चुके होंगे राइट, किसी ने सुसाइड भी किया होगा बाहर नहीं आता दोस्तों राइट, मर्डर भी हुए होंगे बाहर नहीं आता है ओके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट सब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स अच्छा लगे राइट, और बेल आइकन तो आपको पता ही है दोस्तों ओके। तो फिर मिलते हैं ओके, गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ राइट फ्रॉम कोरोना वायरस, और आशा करता हूँ जल्द से जल्द निकल जाए ओके, बट उसको मार्केट के साथ मर्ज मत कीजिएगा दोस्तों, उसके हिसाब से ट्रेड मत कीजिएगा ओके फ्रेंड्स। सो मिलते हैं फिर।
बाय, टेक केयर।